क्वेश्चन नंबर 3। इफ द पॉइंट 3-4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ हमारे पास गिवन पॉइंट है, गिवन लाइन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे, हमारे पास गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट गिवन है हमारे पास 3 एंड 4। मीन्स यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू 3 है और y है उसकी वैल्यू हमारे पास है 4। और जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास है, गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास है 3y इक्वल टू ax प्लस में 7। अब जो भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है वो इसमें पुट करेंगे हम और a की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो 3y इज इक्वल टू हमारे पास है 4 इक्वल टू ax इज इक्वल टू 3 प्लस में 7। 3-4 जा 12 इक्वल टू 3a प्लस में 7। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a को हम राइट साइड रखेंगे और यहाँ हमारे पास 7 आएगा, तो 12 माइनस में 7 इक्वल टू 3a, 12 माइनस में 7 इज 5 इक्वल टू 3a। a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई में वो आएगा डिवाइड में, तो 5 अपॉन में 3 इक्वल टू a। तो हमारे पास हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आ जाएगी हमारे पास 5 अपॉन में 3। दैट्स इट।